मेरे को चाहिए थी फेवी कॉल एंड मैंने मांगी फेवी क्विक। सॉरी दादा। मेरा कैमरा हुआ 75 का। शूट कर। का है? काम असो वा नसो घरून निघताना पिशवी घेऊन निघा निघेन पुढच्यापासून काकाजी। हाँ 75,000। सो हे व्हाट्सअप गाइस, हॅलो जी। अभी हम लोग जा रहे हैं शूटिंग के लिए, लेकिन उससे पहले कुछ हमको काम है तो वो कंप्लीट करके आएंगे, एंड इसलिए मैंने यश को बुलाया है। हम जो भी काम है वो फिनिश कर लेंगे, एंड देन उसके बाद जो शूट की लोकेशन है वहाँ पर जाएंगे हर्षल दादा के साथ। तो तब तक के लिए हम अपना जो काम है वो कर लेंगे, तो चलो चलते हैं। थैंक यू दादा। तो अभी हमने लाइट मांगे है, एंड अंकल जी वो वहाँ से दे रहे हैं लाइट, तो बस लाइट लेते हैं देन उसके बाद निकलते हैं। हर्षल भाई भी आने के। शूट कर। का है? काम असो वा नसो घरून निघताना पिशवी घेऊन निघा निघेन पुढच्यापासून काकाजी। मैं थोड़ा सा कन्फ्यूज हूँ कि कुछ लग रहा है या नहीं लग रहा है, तो इसमें कौन सा बोले? हेलो, ये तो थोड़ा बेटा। चलो थैंक यू अंकल। थैंक यू काकाजी, एक स्माइल करूँ दे। चलो ना तो। हाँ चलते ना। ये आंटी ने मेरे को बहुत पसंद है यार। ब्लॉग बन रहा है अभी। यूट्यूब पे जाना, इधर सर्च करना सुदेश XSM, फिर उसके बाद पीले वाले चैनल पे जाना, सब्सक्राइब कर देना, एंड ऊपर की वीडियो जरूर देखना। चल ली तो जाता है क्या, कुछ जाता है क्या? तो भी पूरा सामान जो मैंने निकाल दिया है, एंड देखो हमारे पास अभी कितनी कैरी मतलब बैग्स है। अभी ये वाली एक बैग है जिसके अंदर पूरा लाइटिंग का सामान रहता है, ये वाली एक बैग है जिसके अंदर स्टैंड रहता है, ये फट गई थोड़ी सी, ये बैग इसके अंदर भी लाइटिंग का सामान, इसमें पूरे बुक्स भरे पड़े हैं मेरे, एंड ये एक पीछे में रहती है, इसमें लैपटॉप वगैरह रहता है। ये एक ही साल हुआ इसको लिए, लेकिन देखो कैसा हो गया पूरा का। मेरी मम्मी मुझे हमेशा बोलती रहती है कि मेरी एक प्रॉब्लम है, मैं सामान सब कुछ ले तो लेता हूँ अच्छे से, लेकिन उसको टिका नहीं पाता हूँ। आई थिंक ये बात सच भी है, क्योंकि थोड़ा बहुत होता ही है मुझसे, एंड ये छोड़ो मेरे कपड़े भी घर भर फैले होते हैं सब कुछ। तो अभी पहले अपन शॉप में चलेंगे जहाँ से अपने को फेवी क्विक लेना है, देन उसके बाद गांव को चलेंगे। डन, बैठे। मेरे को चाहिए थी फेवी कॉल एंड मैंने मांगी फेवी क्विक। मेरा कैमरा हुआ 75 का। हाँ 75,000। हाँ तो ये चाहिए थे हमको। चलो थैंक यू दादा। पेट्रोल पंप पर पहुँच गए हम लोग। बहुत क्यूट है भाई। बस पेटीएम लगवा ले इधर। मुबारक है तुम्हें कि तुम किसी के नूर हो गए, मुबारक है तुम्हें के तुम किसी के नूर हो गए, किसी के इतने पास हो के सबसे दूर हो गए। अजीब रास्ता है, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिले है कौन सी, ना वो समझ सके ना हम। तो अभी 2 बजे पड़े, एंड अभी तक हम लोग जाने के शूटिंग लोकेशन पे, शूटिंग लोकेशन जाने के बाद फिर वहां पे उसका सेटअप करो वो करो। चलो फाइनली कुछ तो आ गया। अजीब दास्ता है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, ना वो समझ सके ना हम। अजीब दास्ता है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, ना वो समझ सके ना। So, कुरमी को पहुंच गए हम लोग, एंड पहुंचने के बाद देखो मेरी स्किन कैसी हो गई पूरे धूप में आने के बाद। ठीक है, तो हम लोग करने वाले थे घर पे शूटिंग, लेकिन उससे पहले थोड़ा मतलब धूप है एंड थोड़ा सा मतलब अच्छा सा लाइट है, तो इसके लिए हम पहले इधर में शूटिंग कर रहे हैं रील्स की। ठीक है, दादा की रील्स की, क्योंकि क्या है उनका काम ना लाइट और स्काई के बिना नहीं होता है, मेरा काम अंधेरे में भी चल जाता है पूरा का पूरा, एंड मेरा अंधेरे वाला है, रात का ही शूटिंग है, तो उसके लिए। सो हम लोग ने इधर का शूट कर लिया है, भाई का हो गया है, अपने को इस घर के अंदर शूट करना है। ये अंधेरा अंधेरी जगह पे शूट करने वाले हम। सो अभी हम लोग अपने शूटिंग की लोकेशन पे, ये देखो
ये कुछ ऐसी लोकेशन है, पीछे में भी वो लाइट लगने वाले हैं एंड इधर भी ये लाइट लगा पड़ा है। नीचे में प्लानिंग चल रही है कि क्या करना है, कैसे करना है। ये सामने में जो हमारी दीवार है, इस दीवार पे फुल पेपर लगने वाले, सब कुछ चल रहा है यहाँ पे बस। एंड आई थिंक कि अभी हम लोग यहाँ पे शूट नहीं करने वाले क्योंकि हम लोग को टाइम हो चुका है एंड इसका शूट कल होगा रात को। वो भी आज हम कुछ लेके नहीं आए, स्वेटर वगैरह कुछ नहीं, तो हम कल आएंगे, है ना अर्शल भाई? हाँ, तो हम कल करने वाले इसका शूट इधर में, और फाइट सीन भी कल ही शूट होने वाला है। तो ठीक है, तुम देख रहे हो कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो बॉक्स जो नई वाली वीडियो आएंगी उसको तुम लोग को बहुत ज़्यादा प्यार देना है एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब सब्सक्राइब नहीं करते तुम लोग। तो अभी 8th और 9th वाला जो हमारा सीन है बॉक्स के अंदर का, वो वाला शूट चल रहा है। टोटल सीन हमारे है शायद 13 सीन है हमारे भाई। बहुत पढ़ना पड़ता है इस चीज़ के लिए। लोग बोलते हैं कि डॉक्टर इंजीनियर को ही पढ़ना पड़ता है, इस चीज़ के लिए भी पढ़ना पड़ता है डूड। अच्छा, मुझे कमेंट में बताओ कि मुझे मेरे बाल काटने चाहिए या नहीं काटने चाहिए। पता है मैं बाल क्यों बढ़ा रहा हूँ? क्योंकि शिट। तो इसको भी साफ करना है अपने को, बोर्ड को। ये फाइल को बंद करके साइड में रख दे इधर में, ये इधर ये पड़े हैं। और ओके, सो हमने थोड़ा सा साफ कर लिया इसको, पीछे भी लाइट स्टार्ट होने वाले पूरे के पूरे, बट हम अभी निकलेंगे, यहाँ पे रुकना नहीं है हम लोग को ज़्यादा देर तक। ठंड बढ़ने से पहले निकलना है। बाजीगर में बाजीगर, क्या बात है। तो अभी हम लोग को इस दीवार पे पेपर चिपकाने हैं जिसपे कि बहुत कुछ लिखा है। यहाँ पे भी पेपर्स रखने हैं, यहाँ पर लैपटॉप रहेगा, लाइट्स इधर से आएंगी नीचे से, इस साइड में भी बहुत कुछ होगा, इधर से भी लाइट आएंगी। इसके बाहर हम रेड कलर का लाइट रखेंगे जो कि मुँह पे आएंगा हमारे, जो कि यहाँ पर ऐसे आदमी खड़ा है तो ऐसे यहाँ से लाइट आएंगी। भाई का शूट इधर होने वाला है। ओ चलो अभी पेपर चिपकाते हैं यहाँ पे एंड मजे करते हैं। क्या ये सारे पेपर है जो हमें चिपकाने हैं? तेरी ना 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 जो मैंने निकाल लिए एंड अभी इन पेपर्स में से, इन सभी में से मैं यहाँ पे चिपका रहा हूँ कुछ पेपर्स। ओके, तो फोकस ओके फोकस। आई डोंट नो सोनी का कैमरा होने के बाद भी इसमें फोकस को इतनी प्रॉब्लम क्यों आ रही है, नहीं आनी चाहिए। तो हम लोग ने ट्राई किया वहाँ पे वो लगाने के दीवार पे, लेकिन वो लग ही नहीं रहे थे। आई डोंट नो व्हाई, शायद वो दीवार मतलब धूल से हमने अभी साफ की तो उस वजह से शायद वो फिसल रहे, लेकिन वहाँ पे नहीं लग रहे डूड। तो क्या करेंगे अभी, हम लोग एक पेपर चिपका के रख दिया वहाँ पे, अगर रात तक नहीं निकलता है तो हम कल ग्लू से चिपकाएंगे, अगर नहीं चिपक रहे तो हमारे पास वो छोटे वाले कील है बारीक से, तो उनको ठोक देंगे वहीं पे, है ना भैया? हाँ, हमारा काम ही वही है। तो बस ये चार्जर वार्जर उठाते हैं, बैग बड़े पापा के घर पर रखते हैं एंड देन उसके बाद अपन हम लोग पौनी को निकलते हैं, फिर बाकी का व्लॉग पौनी में बनाएंगे। चलो, क्या गांव से पौनी को आ चुके हैं एंड ना हमारे कैमरा की चार्जिंग थोड़ी खत्म हो चुकी है, तो इसलिए कैमरा रखा है घर पे। अभी जा रहे हैं हम मछली मार्केट खरीदना कुछ नहीं है इनको, बस मछली मार्केट घूमना है, देखना है कि आज कौन कौन सी मछली आई है वहाँ पे। भैया बोला, भैया थोड़े से पैसे दे दो, अपन बिजनेस चालू कर देंगे मछलियों का, बहुत प्रॉफिटेबल थे। रुको भैया, सॉरी दादा, सॉरी नहीं। ओके, पहुंच गया पे, देखते। तो ले लिए हमने फिश, तो अभी मेरे को घर को छोड़ देंगे, भैया अभी गांव को जाएंगे एंड अभी कोई भी शूट नहीं है, ठीक है? अभी कोई भी शूट नहीं है, जो भी शूट चलेंगे वो कल को चलेंगे, देखते अभी इसके बाद क्या करना है, कुछ प्लान नहीं है। 1 किलो पर बाद में चल देना, टमाटर ले दे पहले, फिर उसके बाद चलते। तो अभी रात के 12:30 बजे मैं यहाँ पर एडिटिंग कर रहा हूँ, ये अपनी बॉक्स की ये सब है यहाँ पे, तो ये सब चल रहा है एडिटिंग। मैं एडिटिंग करता हूँ एंड तुम लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है? एंड आज की वीडियो यहीं पर एंड करते हैं।